दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके अपने चैनल देव सारेश्वर पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कलयुग के खलनायक कली ने हम सबके मन पे कब्जा कर लिया है। उसको कमजोर पार्ट मन ही लगा, मन ही कमजोर होता है और मन ही ताकतवर है। देखो, जब ये पता लगा लिया हो कि हमारा कौन सा पार्ट हरण हो चुका है या हरण धीरे धीरे हो रहा है, मन का हरण कली ने किया, सबके मन में जा बसा, सबको बुरी बुरी आदतें लगा दी, अधर्म का धीरे धीरे आदि बना दिया। अब ये पता तो हम जैसे साधारण व्यक्ति को लग गया है कि सबके मन का हरण कर लिया है कली ने, तो मन को ही तो बचाएंगे कल की, क्योंकि मन ही आदतों का गुलाम है। तो मन की गुलामी, मन को कैसे ताकतवर बनाएंगे? हम सब के सब का मन अपने अपने परसेंटेज के आधार पे खलनायक कली के वश में है। तो मन हमारा वश चल रहा है कली का, और मन की गुलामी से बचाएंगे भगवान श्री कल की। अभी इतना तो पता लग गया, हम जैसे साधारण व्यक्ति को पता लग गया तो वो तो ईश्वर है, अवतार है। इस संबंध में दोस्तों अगला वीडियो लेके आऊंगा मैं कि मन के किस किस पार्ट पे ज्यादा कब्जा कर रखा है खलनायक कली ने, कितनी कितनी परसेंटेज में बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, ये किस किस रूप से कब्जे में है, कौन सी चीज़ भौतिक है जो मन को कब्जाए हुए है, ये भौतिक संसार से ज़्यादा कब्जे में है, उस पर बनाएंगे बहुत अच्छा सा वीडियो। तब तक आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो, कि मन कब्जे में है कली के, मन को आज़ाद कराएंगे कल की। कर लीजिए तैयारी। जय श्री कल।